हेलो दोस्तों, टेक्निकल एमके चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको मोबाइल फोन के स्टेटस बार की तीन हिडन सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा, तीन हिडन खुफिया हैक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको नहीं पता है। यदि दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं खुफिया हिडन सीक्रेट सेटिंग के बारे में स्टेटस बार की, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं, साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल प्रेस करें, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें नाइस वीडियो जरूर लिखें। दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन में स्टेटस बार देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बैटरी का ऑप्शन मिलेगा, एक सिग्नल का ऑप्शन मिलेगा और टाइम का ऑप्शन मिलेगा। यदि दोस्तों आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर देखना है स्टेटस नोटिफिकेशन या फिर स्टेटस बार। यहाँ पर आप देखेंगे ये है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, तीन खुफिया हिडन सीक्रेट हैक्स मिलेंगे या आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज। यदि दोस्तों आप इसको ऑन कर देंगे ना तो आपके फोन की जो बैटरी आइकन है इसमें आपको इसकी परसेंटेज दिखाई देगी बैटरी की, कि आपकी बैटरी कितने परसेंटेज यूज हुई है। जैसे मैंने इसको ऑन किया और अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे फोन की जो बैटरी है 86% है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सिग्नल है और कुछ यहाँ पर शो नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम शो हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक और सेटिंग ऑन करके दिखाऊंगा, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो आपको एक और सेटिंग देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसको सबसे पहले ऑन कर देता हूं। ऑन करने के बाद आप देखेंगे ऊपर की साइड एक और सेटिंग यहां पर निकल कर आ गई है, आप देख सकते हैं स्पीड की, जो भी हम इंटरनेट चलाते हैं उसकी स्पीड यहां पर शो हो जाएगी, कितने KB में चलता है, कितने MB में आपका इंटरनेट स्पीड चलता है आपके मोबाइल में, वो यहाँ पर शो हो जाएगी। यदि दोस्तों आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो वाईफाई की स्पीड यहाँ पर शो होगी, यदि दोस्तों आप मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल की स्पीड यहाँ पर शो हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट सेटिंग की, यहाँ आप देखेंगे नोटिफिकेशन आइकन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको मैंने डू नॉट शो कर रखा है। यदि दोस्तों मैं आइकन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और जब भी मेरे पास कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा तो व्हाट्सएप का आइकन यहाँ पर स्टेटस बार पर शो हो जाएगा। यदि दोस्तों आप नोटिफिकेशन काउंट करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन काउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके पास जिस भी एप्स की नोटिफिकेशन आएगी वो सब यहाँ पर काउंट होती रहेंगी। दोस्तों मैंने इसको बंद इसलिए कर रखा है क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन आती है, तो मैंने इसको डू नॉट शो कर दिया, तो इससे आपके फोन की जो नोटिफिकेशन होगी, जो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन होगी, वो यहाँ पर शो बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने फोन में ये सेटिंग कर सकते हैं और अपने फोन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप इसमें और भी ज्यादा सेटिंग करना चाहते हैं स्टेटस बार में तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको नीचे की साइड करूंगा और यहाँ आप देखेंगे एक और ऑप्शन मिलेगा एडिट का। यदि दोस्तों आप इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे ये फ्लैश लाइट है इसको हॉटस्पॉट की जगह पर लाना है, तो वो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ से इसको आपने एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ आप देखेंगे काफी सारे आइकन मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एप लॉक का है, मोड्स का है, सुपर मोड का है, तो मैं फिलहाल यहाँ से चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं फ्लैश लाइट को हॉटस्पॉट से आगे लेकर जाऊंगा तो इस पर क्लिक करना है और इस तरह से कर देना है। इस तरह से दोस्तों आप नोटिफिकेशन स्टेटस बार के जो आइकन होते हैं उनको भी कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।